लवरी काशी के नाम से सुविख्यात भगवान कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पिछले 15 वर्षों से लगातार अत्रि भारद्वाज के देखरेख में दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न होते आ रहा है। यहाँ हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ शहीदों के नाम का भी दीप दान की जाती है और खास बात यह है कि यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों में दीप प्रज्वलित का कार्य पिछले 15 वर्षों से होता आ रहा है। कोरोना काल के सार्वभौमिक महामारी के दौरान पूरे राष्ट्र में जो कोरोना से त्रासदी है उससे मुक्ति के निमित्त तथा माँ गंगा के अवतरण के शुभागमन पर इस दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम इस तालाब पर किया जा रहा है, जो सार्वभौमिक मंच के द्वारा सार्वजनिक मंच के द्वारा यह किया जा रहा है। हाँ, ये बताइए कि इस नगर में कब से जलाया जाता है दीपक, मतलब कि इसका स्वरूप कब से अनुमानतः 15 वर्षों से ऊपर से यह दीप का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और आज भी निरंतर किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम को आगे की कड़ी में इसको बतलाया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? संजय तिवारी। इस वैश्विक महामारी COVID-19 को देखते हुए पूरे नगर में विगत 15 वर्षों से दीपदान का कार्यक्रम भव्य आयोजन विश्व कल्याण के निमित्त किया जाता है और इसका आगाज कोटेश्वर महादेव सांस्कृतिक विकास परिषद के द्वारा कोटेश्वर महादेव हुआ है और आज पूरे नगर में इस नगर को भगवान नगर को लहुरा काशी बनाने का जो अभियान है, अब लगभग सारे आम जन सार्वभौमिक जनता सभी गणमान श्रद्धालुओं के सहयोग से धीरे धीरे पूरा होते हुए दिख रहा है। यही कल्पना है विश्व कल्याण के निमित्त और इसमें शहीदों के निमित्त भी हम लोग सभी लोग हर जगह दीप एक एक दीप जलाते हैं। यहाँ चम्मलाल के तालाब पर भी जल रहा है, चारों तरफ एकादश महादेव, ब्रह्मचारी स्थान, देवी मंदिर, हर जगह सारे तरफ चौमुखी दीप जल रहा है। खादिम्स जहाँ जूता, चप्पल, सैंडल, पर्स, बैलेट, स्कूली फुटवियर, लेडीज एंड जेंट्स, पता मोहनिया रोड जायका रेस्टोरेंट के ठीक सामने भभुआ कैमूर बिहार।